नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनाली शाह, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट क्लियर स्किन एंड हेयर एमडी क्लिनिक्स पुणे से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हम सबको चिंता देता है, हेयर लॉस या गंजापन और उसके कारण। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, हमें समझना होगा कि बाल क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है। हेयर स्ट्रक्चर, बाल एक खास प्रकार की प्रोटीन से बने होते हैं जिसको हम केराटिन कहते हैं। यह केराटिन ही उन्हें मजबूती और चमक देता है। बालों के दो बड़े हिस्से होते हैं, एक तो रूट मतलब जड़ और दूसरा शाफ्ट यानी वह हिस्सा जो हमारे आंखों से दिखाई देता है, यानी हेयर स्ट्रैंड्स। जड़ या रूट हमारे स्काल्प में होता है और वह बालों की ग्रोथ शुरू करता है। शाफ्ट वह भाग होता है जो चमक और स्टाइल देता है। अब समझते हैं हेयर ग्रोथ साइकिल को, ताकि हम ये भी समझ सके कि बाल किस स्टेज में झड़ने लगते हैं। हेयर ग्रोथ साइकिल, बालों का विकास तीन स्टेजेस में होता है, एनाजन, कैटाजन और टिलोजन। एनाजन स्टेज में बाल एक्टिव तौर पर बढ़ते हैं। यह स्टेज लंबा होता है और जनरली 2 से 7 साल तक चलता है। इस दौरान बाल लंबे होते हैं और नए बाल भी जड़ से उगते हैं। फिर आता है कैटाजन स्टेज, जहां बालों का विकास रुकता है। यह स्टेज कुछ हफ्तों में या महीनों तक चलता है। बाल का ग्रोथ यहां पर बंद हो जाता है और वह प्रिपेयर होता है झड़ने के लिए। अंत में टिलोजन स्टेज आता है। यह स्टेज में बाल गिरने लगते हैं। लगभग 2 से 4 महीने तक बाल इस स्टेज में रहते हैं और फिर गिर जाते हैं। यह नेचुरल प्रोसेस है जिससे बाल पुराने होके फिर गिरते हैं और नए बाल आते हैं। बालों का विकास एक मेथोडिकल प्रोसेस में होता है, जिसमें यह 3 स्टेजेस एनाजन, कैटाजन और टिलोजन में बदलते हैं। इस प्रोसेस को समझना जरूरी है ताकि हम अपने बालों का सही ख्याल रख सके, स्पेशली एनाजन स्टेज में। अब हम डिटेल में समझते हैं कुछ कॉमन हेयर लॉस कॉजेस के बारे में। तो पहला है जेनेटिक फैक्टर्स, जिससे सबसे ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं, वह है जेनेटिक्स यानी वांशिक। जेनेटिक हेयर लॉस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, यह सबसे आम रीजन है जिससे गंजापन शुरू होता है। अगर आपके परिवार में गंजापन है तो आपको भी उसका असर हो सकता है। इसमें एक पर्टिकुलर हार्मोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बालों के फॉलिकल्स को प्रभावित करता है और उनकी ग्रोथ को कम कर देता है। जेनेटिक हेयर लॉस मेल्स में ज्यादा होता है, लेकिन इवन फीमेल्स में भी दिखाई देता है। नंबर 2, हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल बदलाव जैसे कि प्रेगनेंसी, मेनोपॉज या PCOS भी बाल गिरने के प्रमुख कारण हो सकते हैं। इन सिचुएशंस में हार्मोन लेवल्स में बदलाव होता है जो बालों के विकास को प्रभावित करते हैं। प्रेगनेंसी में इस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ जाती है और वो बालों को अच्छी ग्रोथ देती है, पर जैसे वो कम होती है डिलीवरी के बाद तो बाल झड़ने लगते हैं। मेनोपॉज में इस्ट्रोजन कम हो जाता है जिससे बाल गिरने का खतरा बढ़ जाता है। PCOS में भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जो गंजापन को ट्रिगर कर सकता है। थायराइड प्रॉब्लम जैसे कि हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म बालों के विकास पर असर कर सकते हैं। नंबर 3, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आपकी डाइट का भी गहरा असर होता है बालों के ऊपर। प्रोटीन, विटामिन B12, विटामिन डी और आयरन, ये सभी न्यूट्रिएंट्स बालों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। अगर आपकी डाइट में इनमें से कोई भी कमी है तो बालों का गिरना शुरू हो सकता है। प्रोटीन बालों की ग्रोथ के लिए मुख्य है, इसलिए प्रोटीन रिच डाइट खाना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही विटामिन्स और मिनरल्स रिच फूड्स भी इंक्लूड करना अपनी डाइट में बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 3, मेडिकल कंडीशंस। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी गंजापन का कारण हो सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन स्काल्प की स्किन को प्रभावित करते हैं, बालों को कमजोर बना सकते हैं और उनका गिरना शुरू हो सकता है। फॉलिकुलाइटिस डिकन्वेंस जैसी प्रॉब्लम हेयर रूट को डैमेज करके बालनेस ला सकती हैं। सर्टन मेडिसिंस जो ज़्यादा दिन तक आप ले तो उनका भी साइड इफेक्ट हो सकता है और हेयर लॉस हो सकता है। नंबर 4, ऑटोइम्यून कंडीशंस जैसे एलोपेशिया एरेटा, एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें इम्यून सिस्टम अपने ही बालों के फॉलिकल्स को अटैक करती है और बालों का ग्रोथ थम जाती है जिससे बाल गिरने लगते हैं। सेकेट्रिशियल और स्कारिंग एलोपेशिया, लाइकन प्लानोपाइलारिस जैसे बीमारी भी हेयर थिनिंग करती है और पैची बालनेस ला सकती है। अब चलते हैं नंबर 5 के कारण, जो बहुत ही कॉमन है, डैंड्रफ या स्काल्प इन्फेक्शन, सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं इसको। यदि आपको डैंड्रफ है, जरूरी नहीं आपके बाल गिरने लगेंगे, लेकिन जब एक्सेसिवली ड्राई स्काल्प
डैंड्रफ या और कोई इन्फेक्शन होते हैं तो आप लगातार अपने बालों में खुजाते हैं और ये कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन एक निगेटिव तरीके से बालों की जड़ को कमजोर करता है जिससे बाल झड़ने लगते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के डैंड्रफ या स्काल्प इन्फेक्शन को जल्द से जल्द ट्रीट करना जरूरी है। तो ये थे मुख्य कारण जिनकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है। इसके अलावा कुछ और कारण भी हो सकते हैं हेयर लॉस के, जैसे कि क्लाइमेटिक चेंजेस होना, जैसे कि बहुत ड्राई या बहुत ह्यूमिड वेदर में जड़ों कमजोर हो सकते हैं और बाल गिरने लगते हैं। हाइजीनिक कंडीशंस, मतलब अगर आपने बालों का हाइजीनिकली ध्यान नहीं रख रहे हो तो भी बाल झड़ सकते हैं। अगर आप फ्रिक्वेंटली परमिंग, स्ट्रेटनिंग जैसी ट्रीटमेंट रिपीटेडली कर रहे हो तो भी बालों को नुकसान पहुंचा सकते हो और बाल झड़ने लगते हैं। यदि आप अपने बालों पर कुछ मास्क लगा रहे हो, घरगुती कुछ रेमेडी कर रहे हो और उसके बाद अच्छे से धो नहीं रहे हो और गीले बालों को ज़्यादा समय तक टॉवेल में ऐसे ही रख रहे हो या बांध कर रख रहे हो तो भी बालों की जड़ें कमज़ोर हो सकते हैं और बाल झड़ सकते हैं। कभी कभी बाल चिपक कर फिर बड़ी सी नॉट्स भी बन सकते हैं और बालों को डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों, गंजापन या हेयर लॉस एक आम समस्या है, लेकिन इसके कई सारे वजह हो सकते हैं। याद रहे, यह हर व्यक्ति की शारीरिक और मेडिकल कंडीशन, उनकी लाइफस्टाइल कंडीशंस अलग होते हैं। आप हर तरीके के हेयर लॉस के लिए स्टेपल या कॉमन तरह के ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से अपने हेयर लॉस कंडीशन के लिए कंसल्ट करें और उनके सलाह पर ही ट्रीटमेंट लें। तो आज के बाद हम बालों के सिर्फ गंजापन से जोड़कर नहीं देखेंगे, बल्कि उनके स्वास्थ्य और खूबसूरती को भी महत्व देंगे। अगर आप हेयर लॉस से संबंधित और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।